प्यारे बच्चों सबको यीशु, आइए हम आज के इस क्लास को, कक्षा को हम छोटी सी प्रार्थना से शुरू करते हैं। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आज के दिन के लिए, विशेषकर इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें पुनः इस कक्षा में, इस क्लास में भाग लेने के लिए कृपा प्रदान की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें शक्ति दे, बल दे, ताकि हम जो भी पढ़ते हैं उसे याद रख सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों पुनः सबको यीशु। हम विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 9 के जो शीर्ष है, जो किताब का नाम है, प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता, इसमें पहला पाठ प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता, इस पाठ को हम पिछले 2 वीडियो में पढ़ाई की थी। उसमें प्रभु यीशु के गुण या चरित्र के बारे में हमने देखा और सीखा। उनके विशेषकर 4 गुणों को चलते वे हमारे मुक्तिदाता के रूप में हमने सिद्ध किया। पहला, प्रभु यीशु भला गडेरिया, और दूसरा, प्रभु यीशु संपूर्णता का या परिपूर्णता का मार्ग, और तीसरा, प्रभु यीशु हमारे मित्र, और चौथा, प्रभु यीशु हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता। और मैंने गत लेसन के बाद आप लोगों के लिए होमवर्क, गृह कार्य दिया था। उसमें से आप लोगों को प्रश्नावली के बारे में आज मैं बताऊंगा। मुझे आशा है आप लोग भी दिए गए प्रश्नों का जवाब दिए होंगे। प्रश्नावली, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रभु यीशु को भला गडेरिया क्यों कहते हैं? भला गडेरिया अपने भेड़ों को जानता है और हर एक को उसका नाम लेकर पुकारता है। वह उनकी चिंता करता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है। वह अपनी भेड़ों को प्यार करता है और उन्हें अपने कंधों पर उठा ले जाने में उसे आनंद मिलता है। जरूरत पड़ने पर तो उनके लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहता है। ये सब भले चरवाहा के गुण है। प्रभु यीशु में यह सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम उन्हें भला गडेरिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रभु यीशु हमारे मार्ग दर्शन कैसे करते हैं? जवाब, प्रभु यीशु ही सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक और नेता है, जो लोगों की भलाई के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं और बदले में वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। वे लोगों को परिपूर्ण जीवन की राह पर ले जाते हैं। वही मार्ग है, उनका मार्ग प्रेम, शांति, सच्चाई और न्याय का मार्ग है। वे ही जीवन है और विश्वास करने वालों को परिपूर्ण जीवन देते हैं। और तीसरा प्रश्न, प्रभु यीशु हमारे मित्र हैं, समझाइए। प्रभु यीशु ने हमें कभी सेवक नहीं बल्कि मित्र कहा है। वे हर परिस्थिति में हमारे सच्चे मित्र बने रहते हैं। वे बिना शर्त हमें प्यार करते हैं और हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि मित्र के लिए अपने प्राण देने से बढ़कर कोई अन्य प्रेम नहीं। इसी को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने सबको अपना मित्र मानकर हमारे लिए बलि दे दी। इस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु हमारे प्रति अपना महान प्रेम प्रदर्शित करते हुए सदा हमारे मित्र बने रहते हैं। चौथा प्रश्न,
आजकल के नेता किस प्रकार व्यवहार करते हैं? आजकल के नेता बड़े वादे करते हैं किंतु उन्हें पूरा करने का प्रयास नहीं करते। इस प्रकार के नेतागण लोगों के कल्याण में कोई रुचि नहीं लेते। वे अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। वे अपने पद को बचाने की ही कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे नेता घूसखोरी करते, सच्चाई तथा न्याय का गला घोंटते हैं। अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करते हुए ये लोग सिर्फ अपने ही हित के लिए कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं। वे जाति, धर्म, भाषा और राजनीति के नाम पर हिंसा भड़काते हैं। इस प्रकार समाज में शांति भंग करते और आम जनता पर असंख्य दुख और कठिनाइयां तोप देते हैं। ऐसे परिस्थिति में हमें अच्छे नेताओं की ज़रूरत और भी अधिक महसूस होने लगती है, जो जनता की भलाई के लिए काम करें। पांचवा प्रश्न, पवित्र बाइबल से उदाहरण देकर प्रभु यीशु के अच्छे गुण बताइए। प्रभु यीशु भला गडेरिया पहला गुण है। संदी योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14 और 15। भला गडेरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरे भेड़े मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। और दूसरा गुण, प्रभु यीशु जीवन की परिपूर्णता का मार्ग, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6। और तीसरा गुण, प्रभु यीशु हमारे मित्र। इसे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। योहन 15:13 अध्याय 15 पद संख्या 13। और चौथा गुण, प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ नेता, क्योंकि मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों की उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। मार्कुस 10 पद संख्या 45। तो प्यारे बच्चों, ये रही प्रश्नावली और उनके उत्तर। उसके बाद कुछ व्यायाम एक्सरसाइज हमने दिया कंडस्थ करने के लिए, योहन के सुसमाचार 10, 14 और 15 का भले गडेरी के बारे में, और योहन 15 और 13 इन वचनों को पढ़ने के लिए, अध्याय 15 और 13 मित्र के बारे में, किसका बड़ा प्रेम है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, कंडस्थ करने के लिए आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। आशा है कि आप लोग कंडस्थ किए होंगे और आप लोगों की राय भी मांगे थे। अगर आप एक नेता को अपना मार्गदर्शन दर्शक मानते हो या एक अभिनेत्री को अपना मार्गदर्शक मानते हो तो आप ये सही करते हैं या नहीं करते हैं, इसी प्रकार आपकी राय मांगे थे। और उसके बाद अभिनय करने के लिए भी बोले थे अपने घर पे, भला गडेरिया का जो पात्र है, चरित्र है, उसका अपने परिवार में एक छोटे से समूह बनाकर उसे अभिनीत करने के लिए आप लोगों को कहा गया था। आशा है आप लोग किए होंगे। उसके बाद वाद विवाद के लिए हमने कहा कि क्या दीवानों की संगठन है और सही है या नहीं, और व्यक्ति पूजा सही है या नहीं। और उसके बाद हमने विचार विमर्श करने के लिए बोले कि आपके पसंदीदा नेता कौन है, और यदि आप नेता होते तो क्या करते। और मैंने ये भी कहा था उसमें कि वो एक्सरसाइज करने के लिए चिट्ठी लिखने के लिए प्रभु यीशु को। और उसके बाद अनमोल वचन भी आप लोगों को दिया गया है। अगर आप लोग नहीं किए कर वीडियो में जाइए और उसमें इन बातों को देखिए और इसे
पूरा भी कीजिए। और आज हम दूसरा लेसन देखेंगे, दूसरा लेसन के पहले पाठ, और इस पाठ का जो शीर्ष है, प्रभु यीशु प्रकाशना की परिपूर्णता है। जोधपुर में एक वृद्ध महिला जो अकेले रहती थी, कुछ फल लाने के लिए अपने घर से बाजार गई थी। फल लेकर वापस आ रही थी, उस समय तेज से चलने वाले एक बस, एक बड़ा गाड़ी, बड़ी गाड़ी आकर उसे ठकरा दी। उसे गंभीर चोट लगी और उस महिला बेहोश हो गई। लोग इकट्ठे हो गए हैं, चारों तरफ खड़े हैं, लेकिन कोई आगे आकर मदद नहीं कर रहा। और वहां से एक युवक आया, उस जिसका नाम था रोहित। उसने उस महिला को देखा, उस पर तरस खाया और तुरंत वो पुलिस को सूचना दी, और उसके बाद एम्बुलेंस को, और वे आए। जो बेहोश बड़ी उस महिला को अस्पताल पहुंचाए, और उस महिला कुछ घंटों के बाद अपने चेतना में आती है, उसको होश आती है। होश में आने के बाद वो पूछ रही है, कौन मुझे इस अस्पताल तक पहुंचाया? ठीक उस समय रोहित उस कमरे में प्रवेश करता है, और वहाँ के जो नर्स सिस्टर है वो कहती है, इस लड़के ने आपको बचाया। जब उस वृद्ध महिला ने ये कहा, उस लड़के को देखकर, बेटा प्रभु यीशु ने तुम्हारे द्वारा मुझे बचाया है, बेटा प्रभु यीशु ने तुम्हारे द्वारा मुझे बचाया है। बच्चों, आप लोगों ने ये कहानी सुनी, ध्यान से सुने होंगे, फिर तो मैं आप लोगों से चार प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है, वृद्ध महिला बाजार क्यों गई थी, मार्केट क्यों गई थी? और उसके बाद दूसरा प्रश्न, घर लौटते समय उस महिला को क्या हुआ? और तीसरा प्रश्न, वृद्ध महिला ने रोहित से क्या कहा? और चौथा प्रश्न, क्या आपने भी किसी को इसी तरह मदद की है? बच्चों, ये याद रखिए, हमारे वचन और कर्म ये प्रदर्शित करता है कि मैं कौन हूं और किस तरह के इंसान हूं। ईश्वर ने अपने आप को हमारे लिए प्रकट करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। पहले तो वो प्रकृति के द्वारा अपने आप को प्रकट किए, और फिर उन्होंने इतिहास में पूर्वजों, न्यायकर्ता, राजाओं, नबियों और ज्ञानी पुरुषों द्वारा अपने आप को प्रकट किए थे, और अंत में स्वयं को अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। और इस प्रकटीकरण को हम प्रकाशना कहते हैं। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र, संत पौलुस का पत्र, अध्याय एक, पद संख्या एक से दो। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार
और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। बच्चों, मुक्ति के संपूर्ण इतिहास में ईश्वर ने अपने आप को विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा, तरीकों से द्वारा, कार्य वस्तुओं और स्थानों और घटनाओं के द्वारा अपने आप को दर्शाए हैं। इस प्रकाशना के द्वारा ईश्वर और मानव के बीच एक नया संबंध स्थापित किया है। अभी हमें यह देखना है कि पुराने विधान में यह प्रकाशना कैसे हुई। जब मूसा होरेब पर्वत की तलहटी में भेड़ों को चरा रहे थे, उन्होंने वहां एक ऐसी झाड़ी को देखा जो जल रही थी, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। मूसा ने मन ही मन ये कहा, ये तो अनोखी बात है और मैं निकट जाकर इसको देख लूं। जब वो निकट गए तो उससे उनको एक आवाज सुनाई दे रही थी, मूसा पास मत आओ, पैरों से जूते निकाल दो, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वो पवित्र भूमि है। मैं तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर हूं। ये हम पुराने विधान में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3:3-6 में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरह मूसा को जलती हुई झाड़ी में ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया था। उसी क्षण मूसा को एक विशिष्ट कार्य भी सौंपा गया था। वो क्या काम था? गुलामी में पड़े हुए यहूदियों को, इसराइलियों को मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञात देश पहुंचाने का काम उन्हें सौंपा गया। और ना केवल इसके बाद विभिन्न तरीकों से, विभिन्न रूपों से बारंबार उन्होंने अपने आप को इसराइली लोगों को प्रकट किया है। वे उन्होंने ईश्वर ने अपने आप को मुक्ति के ईश्वर के रूप में इसराइलियों को प्रकट किया था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14:1-30 तक हम पढ़ सकते हैं। जब ईश्वर ने इसराइल लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाया, उनको चमत्कारिक तरीकों से वो फेरो जो मिस्र का राजा था उसे बचाकर समुद्र पार करवाया, और उसके बाद ईश्वर अपने आप को भरण भोषण करने वाला ईश्वर के रूप में प्रकट किया। इसको हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16:1-17 और अध्याय आगे हम सब वचन 7 में भी, 17 के वचन 7 में भी पढ़ सकते हैं। जब वो भूखे प्यासे पड़े थे, उनको मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, और उसके बाद ईश्वर इसराइलियों को अपने आप को व्यवस्था के ईश्वर के रूप में प्रकट किया। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 37:33 जो उनके साथ संबंध स्थापित किया, एक व्यवस्था के रूप में संबंध स्थापित किया इसराइलियों के साथ। उनका संबंध जैसे एक संधि होता है, तुम मेरी प्रजा बनोगे, मैं
तुम्हारा राजा हूं, तुम्हारा ईश्वर हूं। और उसके बाद हम देखते हैं ईश्वर ने लोगों के साथ रहने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रकट किया, लोगों के साथ बसने वाला ईश्वर। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14, इस्राएल की प्रजा के साथ रहकर उन्होंने यह प्रकट किया कि लोगों के साथ रहने वाला ईश्वर हूं। ये प्रभु अपने को शक्तिशाली ईश्वर के रूप में भी प्रकट किया है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 18-16 में अन्य राष्ट्र और शत्रुओं को से उन्हें रक्षा की, उनकी सुरक्षा प्रदान की, और नबियों के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करके उसने अपने को इसराइलियों का नेतृत्व करने वाला ईश्वर के रूप में भी उन्होंने प्रकट किया, नेतृत्व करने वाला ईश्वर। योनेल, नबी योयल अध्याय 2 पद संख्या 22-23। प्यारे बच्चों, ये है पुराने विधान में प्रभु का प्रकाशन। और अगले वीडियो में, सेशन में हम देखेंगे कि पुराने विधान में प्रभु अपने आप को, सॉरी नए विधान में प्रभु यीशु अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं, प्रभु कैसे किसके रूप में प्रकट होते हैं, वो हम देखेंगे। धन्यवाद। जय श्री।